हेडक्वार्टर च तकरीबन 8 घंटे तक लंबी पूछगिछ हुई। इस दौरान एसपी तो कई कुछ पूछा गया, ये स्पष्ट नहीं पा रहे। खदशा प्रगटाया जा रहा है कि एसपी के बयानों को लेकर उन्होंने तो पूछ पड़ताल की गई। हालांकि एसपी ने पलके मोड़ तो पूछगिछ लिए सद्या गया। दिल्ली च एनआईए का हेडक्वार्टर जिथे सवेरे 11 बजे लिया गया एसपी सलविंदर सिंह। पठानकोट दहशतगर्दी हमले को लेकर शक के घेरे में आए एसपी सलविंदर सिंह ने एनआईए की टीम ने एक बार मुड़ तो पुछगिछ शुरू की। इस दौरान सलविंदर सिंह के चेहरे का रंग उड्या उड्या नजर आ रहा है। पूरा दिन पुछगिछ करने तो बाद एनआईए कल फिर तो सलविंदर तो अपनी पुछगिछ जारी रखे। सूत्रों के मुताबिक सलविंदर तो पुछगिछ की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। मनिया यह भी जा रहा है कि एनआईए सलविंदर सिंह का पॉलीग्राफी टेस्ट भी करवा सकती है। सलविंदर सिंह के बार बार बयान बदलने की वजह नाल एनआईए के शक का दायरा होर वधदा जा रहा है। सलविंदर सिंह ने दावा किया कि एक धार्मिक स्थान तो परतते हुए उन्होंने दहशतगर्दा ने अगवा कर लिया सी अते उन्होंने कार खोली सी। पर अपने जिन्हों बयान की वजह नाल सलविंदर शक के घेरे में आए वो ये सन कि सलविंदर ने दहशतगर्दा की गिणती बार बार वख वख दसी सी। सलविंदर ने कहा कि वह वारदात की रात एक दरगाह तो परत रहे सन पर उन्होंने वापसी लिए लंबा रस्ता चुनिया। इस तो इलावा पठानकोट वर्गी संवेदनशील थान से वह बिना हथियार से सुरक्षा दे निकले सन। एनआईए सलविंदर के कुक मदन गोपाल तो भी पुछगिछ करेगी। इसके लिए मदन गोपाल ने भी दिल्ली सद्या जाएगा। इस तो पहले एनआईए ने सलविंदर सिंह पठानकोट में उस थान से ले जाके घटना का रीक्रिएशन भी किया जिथों की उन्होंने दहशतगर्दा ने अगवा किया। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। हुण इस पूरे मामले की जांच को लेकर वक्-वक् सियासतदान भी सुझाव दे रहे हैं। पठानकोट हमले को लेकर आम आदमी पार्टी ने एसपी सलविंदर सिंह की कथित भूमिका से शक जाहिर करते हुए जांच की मांग की है। उधर मुख्यमंत्री बादल ने कहा है कि एनआईए की जांच जारी है, इस विचकार कोई भी बयान देना ठीक नहीं है। पठानकोट हमले तो पहला किडनैप हुए एसपी सलविंदर सिंह की भूमिका से आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए ने। आप दे पंजाब इंचार्ज संजय सिंह ने एसपी सलविंदर दी कथित भूमिका नु शक्की दसदे होए जांच दी मांग कीती है। उन्हां कहा कि एसपी दे बयान उन्हां नु शक दे घेरे च खड़ा करदे ने, जबकि मुख्यमंत्री बादल दा कहना है कि जांच पूरी होण तो पहलां कुछ भी कहना ठीक नहीं है। जांच होनी चाहिए, हमने पहले दिन से ये मांग की है। देखिये, सलविंदर सिंह की पूरी भूमिका पठानकोट आतंकवादी घटना में शक के दायरे में है, संदिग्ध है। उदी जी इंक्वायरी हो रही है, मतलब बहुत उच्च पद्धर से सेंट्रल एजेंसियां भी कली हो नहीं है, सारी चीज की इंक्वायरी हो रही है। मैं कोई राय ना देनी चाहिए मैं। संजय सिंह ने ड्रग स्मगलर, पुलिस और पोलिटिकल लीडर्स दे नेक्सस दा भी खदशा जाहिर किया। इसमें ड्रग स्मगलिंग के माफिया, पॉलिटिकल लीडर्स पंजाब के और पुलिस के अधिकारी, कहीं इसका नेक्सस तो इस घटना के पीछे शामिल नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए और इसका सच सामने आना चाहिए। जांच एजेंसियां एसपी सलविंदर सिंह तो लगातार पूछगिछ कर रही ने। जांच तो बाद सच सामने आने की उम्मीद है, पर एसपी दे बयाना ने उन्होंने शक दे घेरे विच लिया के खड़ा जरूर कर दिता है। कुलबीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। इस पूरे मामले ते सियासत भी लगातार पक रही है। पठानकोट दहशतगर्दी हमले तो बाद लगातार सरहद ते सुरक्षा मजबूत करन अते बीएसएफ जवानों की गिनती वधाए जाने की मांग लगातार सूबा सरकार वालों चुकी जा रही है। मुख्यमंत्री ने सरहद ते सुरक्षा मजबूत किए जाने की मांग की है। तो साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरहद ते हर साल बीएसएफ के जवानों को बदलने की वकालत की है। पठानकोट दहशतगर्दी हमले तो बाद लगातार सरहद ते सुरक्षा मजबूत करन अते बीएसएफ जवानों की गिनती वधाए जाने की मांग सूबा सरकार वालों चुकी जा रही है। एक बार फिर सूबे के मुख्यमंत्री ने सरहद ते सुरक्षा मजबूत किए जाने की मांग की है। सीएम बादल ने कहा कि सरहद ते सुरक्षा विच कई खामियां ने ते नशे के समगलर इसे कमजोरी का फायदा चुकते हैं। दूजे पासे सूबे के साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरहद ते सुरक्षा मजबूत करने नूं लैके सलाह दी है कि हर साल बीएसएफ के जवानों नूं बदलिया जाना चाहिए, क्योंकि सारे लीकेजेस बंद होने चाहिए, छोटा जा लीकेज भी नहीं होना चाहिए। और क्योंकि बॉर्डर का सिक्योरिटी का काम बीएसएफ को है, इस करके मैं होम मिनिस्टर साहब नूं भी रिक्वेस्ट की है, इन्हां सारयां नूं रिक्वेस्ट करते हैं कि इन्हें होर टाइटन करो ताकि कोई भी आदमी या कोई चीज उधर इधर ना आ जाए। एवरी सेकंड ईयर दो साल के बाद चेंज होती है, लेकिन मैं कहना है कि इन्हें हर साल बदलना चाहिए, क्योंकि जो नेक्सस बन जाता है कईयों का,
सारे तो नहीं पर कुछ हैं जिहड़े बदमाशी करते हैं और उन्होंने जिहड़ी नैक्सस है समगलिंग गैंग्स नाल वह टुट जाएगा। पर उदो कह रहा सी उन्होंने कि पैसे बड़े लगते हैं ट्रांसफर वास्ते पलटना असी मूव करके। वैल दे हैव टू डिसाइड के ड्रग नैक्सस तोड़ना है या पैसे खर्चने ने उन्हें बदलने वास्ते बदलना पऊ इन्हों। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल भी सरहद ते खामियां दी तस्वीरां विखा चुके हैं। फिर भावें वह फिरोजपुर की टुटी हुई फेंसिंग होवे जो गलत अंसरां लई घुसपैठ का सौखा रस्ता बन सकती है जां फिर गुरदासपुर विच दरियावां दे ओह रस्ते जिन्हां दा शक जताया जा रहा है कि उन्हां राही ही दहशतगर्द भारत विच दाखल होए सन। इत्थे दरियावां विच आउण वाले हड़ां करके फेंसिंग कई थावां तों खराब हो चुकी है। इस बेहद गंभीर मसले ते छेती ही कोई ठोस कदम चुके जाण दी लोड़ है क्योंकि मामला मुल्क दी सुरक्षा दा है। दिल्ली तो पंकज कपाही दे नाल राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। पठानकोट दहशतगर्दी हमले दौरान पंजाब पुलिस सुरक्षा दस्ते च कॉमेडियन कपिल शर्मा दे भरा अशोक शर्मा भी मौके ते तैनात सन। इस दौरान उन्हां किवें दे हालात दा सामना कीता गलबात कीती साडे पत्रकार राजन गोसाई ने। पठानकोट आतंकी हमले ने पूरे पंजाब दे नाल नाल पूरे देश नूं हिला के रख दिता। इस दौरान की कुछ होया और की कुछ उस टाइम महसूस किया इस बारे जानकारी देने साडे नाल मौजूद ने कॉमेडियन स्टार कपिल शर्मा दे भरा अशोक कुमार। अशोक कुमार जी उस टाइम तुसी भी उत्थे ड्यूटी ते मौजूद सन ते उस टाइम की कुछ होया की कुछ अपनी अखी देखी? सर उस टाइम हालात ते बहुत आपत्तिजनक सी। मतलब फैमिली क्वार्टर दे विच आ गए लेकिन फिर भी मैं बहुत भारी है मैं बड़ा प्राउड अपनी इंडियन आर्मी से जिन्हें इन्ना मतलब हौसला रख के इन्ना उग्रवादियों का मुकाबला करते रहे तो फिर भी मतलब एक हिसाब की जीत प्राप्त की है जी। छे उग्रवादी को थोड़े नहीं होंगे। अंदर ऑपरेशन सारा चल रहा है तो तुम्हारी ड्यूटी कितने से और तुम्हें की कुछ उत्थे जी? जिहड़ा एयरबेस का सैक्शन सी ना वो चार तरफ से चारों तरफ ही घेरा है कि जो कोई जो अपने इंडियन आर्मी वाले अंदर अटैक कर देने उन्होंने कोई बाहर निकल के आ जाए तो फिर साडा सारा काम थी। अशोक जी चार दिन तक तुसी उत्थे 6 तरीक तक तुसी कहा कि मैं उत्थे बाहर रहा उस टाइम जज्बा एक आजाद देश भगती का आंदा जांदा खौफ भी आंदा हैगा ते उन्हां नूं किस तरह तुसी टैकल? हर किसी नूं वेट हुंदी है कि मेरे पापा ने आना बच्चों नूं ही है बेटी मेरी कंटिन्यू रोज मैनूं डेली फोन करदी पापा घर आ जाओ ऐदां खौफ तो सर हुंदा ही है जो चार दिन ठाठा की आवाज आती गोलियां घूमदियां चलदियां पता नहीं ऐदां लगदा सी कि घूमती फिरती गोली साडे वल ना आ जाए। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਿਪਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੁਣ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲਿਸਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੁਲ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ 2017 ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਤੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾਉਣਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਸਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਪ ਟੂ ਦੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਾਤ ਤੋਂ ਮੈਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕੋ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਔਰ ਅਬ ਆਗੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੇ ਔਰ ਦੇਖੇਗੇ ਕਿ ਕਿਆ ਬਣੇਗਾ। ਉਧਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ 2017 ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੋਈ ਜਲਸੇ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਈ ਫੈਲਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੀਇੰਗ ਅ ਨਿਊ ਫੀਨੋਮਨਾ ਕਿ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੇਂ ਵੀ ਹਮਨੇ ਦੇਖਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਾਰੀ ਲੜਾਈ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਇਸਕੋ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਲੜਾਈ ਰਹੇਗੀ ਅਕਾਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। 2017 ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਫੂਕ ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਖੋਈ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤੜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ 2017 ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਦਿੱਲੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਤੋੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
आम आदमी पार्टी ने अपने मिशन विस्तार के नाल नाल एक होर नवा मिशन भी शुरू किया है, वह है घर वापसी का। घर वापसी नाराज हुए आगुआ की। चंडीगढ़ च नवे लोगों पार्टी शामिल करते हुए सीनियर आगुआ ने बगावती रुख अख्तियार करने वाले डॉक्टर गांधी और हरिंदर खालसा पार्टी का ही अंग दसिया। नाल ही उन्हें यह भी जानकारी दी कि केजरीवाल 13 को पठानकोट हमले के शहीदों के परिवारों नाल मिलेंगे। पार्टी की ओर से और हम लोगों की ओर से धर्मवीर गांधी जी के लिए और खालसा जी के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं है और ना ही उनको हमने पार्टी से निकाला है। उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई निलंबन की गई है। कुछ अनुशासन के मुद्दों को लेके उनको सस्पेंड किया गया है, वो निकाले नहीं गए हैं पार्टी से। 13 तारीख को श्री अरविंद केजरीवाल जी शहीदों के परिवारों से मिलने के लिए गुरदासपुर जा रहे हैं और जो ड्राइवर आतंकवादी घटना में मारे गए थे एकाग्र सिंह, उनके परिवार से भी मिलने जाएंगे। चंडीगढ़ च पार्टी आगुआ ने मिशन विस्तार का आगाज किया तो मुक्तसर च भगवंत मान पार्टी वर्करां च जोश भरते नजर आए। वर्करां नाल मीटिंग करते हुए उन्होंने दसिया कि माघी मेले की कॉन्फ्रेंस दौरान केजरीवाल पंजाब की चोण जंग का रस्मी ऐलान करेंगे। लोग आप हमारे अपने साधन से आएंगे, कला 5 लाख नहीं हूँ तो मैं लगता है साढ़ा 5 लाख तो भी जो टीचा वह बधूगा, तो इस करके इतों ही सिद्ध हो जूगा कि लोग जोड़े ने पंजाब की नवी कहानी लिखना चाहते हैं। पंजाब च अपना सियासी वजूद मजबूत करन च जुटी आम आदमी पार्टी जमीनी पद्धर ते नवे लोगों नूं शामिल करन दे नाल नाल रुसियां नूं भी मनाउण च कोई कसर नहीं छड़ रही, क्योंकि रुसियां नूं मनाए बिना मिशन पंजाब फतेह हासिल करना आसान नहीं होवेगा। चंडीगढ़ तो कुलवीर दीवान दे नाल जसविंदर बब्बर, जी मीडिया, मुक्तसर। एक होर किसान खुदकुशी नूं गल लगा गया। मामला पटियाला दा घर च धी दा विआह रखिया सी पर चंद घंटे पहला ही उसे पराली नूं अग लगा के खुद नूं साड़ दिता। पराली च सड़ गया यह किसान ते नाल सड़ के सुआह हो गए एक पिता दे अरमान, जिसने अपनी धी दी डोली नूं चाइन चाइन तोड़ना सी पर करजे दे बोझ ने ना जाने उसनूं किन्ना दबा दिता होवेगा। पता नहीं की चल रहा होवेगा उसके मन च कि उसने खुशियां नूं गल लगाउण दी बजाए पराली नूं अग लगा के मौत नूं गल लगा लिया ते सजे सजाए रह गए धी दे अरमान ते धरियां तराईयां रह गईयां खुशियां। इहने कहिंदे आत्महत्या कीती आ, आपदे पराली भी इसे दी दस्सदे आ वी आपदी पराली सवेरे 3 बजे उठिया सीगा, बाहर हर रोज दी तरह बाहर निकलिया सी, सवेरे इहनां नूं 5 बजे पता लग्गिया वी पराली नूं अग लगी है। घर लड़की दी मैरिज रखी है, अज बरात सी, करजा कोई हुण वी 2.5-3 लाख दे करीब इहदा हैगा। पटियाला दे पिंड गाजी सलाह दा जसवंत सिंह पत्नी कैंसर नाल पीड़ित सी, इलाज लई करजा लिया सी, पत्नी दी मौत हो गई। दुखां दा इक होर पहाड़ इस किसान ते उदों टुट्टिया जद नूह ते बेटे दा एक्सीडेंट होया। नूह दी मौत हो गई ते बेटे दे इलाज लई उसने होर करजा चुक लिया, पर करजे दे बोझ नाल बेबस जसवंत सिंह ऐसा दबिया कि उसने खुदकुशी दा भैन कराह चुन लिया। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਨ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਵਿਆਜਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੁੰਨੇ ਪਏ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਆਹ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜੀ ਸਜਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਧੀ ਦੀ ਡੋਲੀ। ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਪਟਿਆਲਾ। किसान खुदकुशिया दे राज भी तुर रहा ते साल 2015 किसान खुदकुशिया दा सिखर रहा। इस साल उम्मीद करदे कि किसान खुदकुशिया ना होण अते किसानां नूं उहनां दा बणदा हक मिले। अगे वधदिआं बोहर दे भीम कतलकांड मामले च मुख मुलजम दी गिरफ्तारी ना होण तों नाराज़ परिवार दा गुस्सा वधदा जा रहा है। इंसाफ दी मंग नूं लै के परिवार ने भुख हड़ताल शुरू कर दित्ती है। अबोहर च भुख हड़ताल ते बैठे ਇਹ ਭੀਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਸਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਤਲਕਾਂਡ ਚ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਕੀਨ ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭੀਮ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ
गिरफ्तार ना किया जाए। किसानों को इंसाफ नहीं मिलता पाया, एक महीना हो गया, सानू इंसाफ चाहिए, उदो तक असं भुक्कड़ताल नहीं तोड़ा जो तक सू इंसाफ नहीं मिलता। भीम कतलकांड संघर्ष कमेटी के कन्वीनर ने सरकार से वादा खिलाफी का इल्जाम लगाया। इस करके दोबारा अभी संघर्ष शुरू किया है, ये संघर्ष की कड़ी है, इस तो जो अगला संघर्ष है इस तो होर तीखा संघर्ष करा। इस कतलकांड को लेकर सूबे की सियासत भी भखी सी, सूबा सरकार से कई तरह के सवाल चुके गए सन, कार्रवाई का यकीन दिता गया सी, पर काफी वेला लंघन तो बाद भी दावे हकीकत च तब्दील ना होंदे वेख परिवार ने कदम चुके। सुनील नागपाल, जी मीडिया, अबोहर। अगे खबर अमृतसर तो है, जिथे निगम कमिश्नर ने तड़कसार दफ्तर च रेड मारी तो पूरे दफ्तर च कुर्सियां खाली मिलिया ते मुलाजम दफ्तर चुकाए, जिस तो बाद हुण गायब मुलाजमां खिलाफ सख्त कार्रवाई के दावे किए जा रहे हैं। अमृतसर नगर निगम के दफ्तर च सवेर सार निगम कमिश्नर ने दस्तक दी है। निगम मुलाजमान की लेट लतीफी दबरों दरमियान इसका जायजा लैन पहुंचे कमिश्नर साहब उस वेले लोहा लाखे हो गए जो दफ्तर ज्यादातर कुर्सियां खाली मिली, मुलाजम दफ्तर जो गायब, पूरे दफ्तर जो तेई मुलाजम ते अफसर गायब पाए गए, हूँ उन्होंने खिलाफ कमिश्नर सख्त कार्रवाई करने का दावा कर रहे हैं। किसी तरह की जी लेट लतीफी है जो लोगों के प्रति जरा ड्यूटी के प्रति डेडिकेशन कमी है उन्होंने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो उन्होंने अफसर कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकारी बाबुआ की लेट लतीफी आम गल है, तो साढ़े सिस्टम की यह खामी का खमियाजा दफ्तर च धक्के खाना है आम लोग भुगतते हैं। राजन गुसाई, जी मीडिया, अमृतसर। चंडीगढ़ के नवे मेयर अरुण सूद ने आज कुर्सी संभाल ली, 15 साल बाद इस कुर्सी से काबज होने वाली बीजेपी काफी जोश च विखाई दी। पहला हाउस के अंदर हुई टकराव ते फिर बाहर हुई नारेबाजी, इन्हें मोहाली के अकाली बीजेपी के कौंसलर। टॉयलेट ब्लॉक का मुद्दा आया सी, उदे सफाई का प्रोपर प्रबंध नहीं सी, उदे विच कपड़ेबाजी हुई हुई सी, इस करके जदों अज असी वो आइटम चक्की तां रूलिंग ग्रुप दे डिप्टी मेयर ने इहदे विच गलत लैंग्वेज वरती है, असी उहदा विरोध कीता। मेयर साहब तो शरेआम ये कहिंदे रहे मैं जो कहता कहता मैं वापस नहीं लफज लैणे, सो इहनूं देखदे हुए आपां प्रोटेस्ट कीता और हाउस मीटिंग बायकॉट करके आए हैं, पर जो लोगों के मुद्दे है वह आपां पहलां भी उठांदे आए हैं, हमेशा ही उठाते रहेंगे। नगर निगम की बैठक भी शामिल होना है, इन्होंने कौंसलर ने मीटिंग का बाइकाट कर दिया, इल्जाम लगाया गया कि डिप्टी मेयर मनजीत सेठी ने इन्होंने बदसलूकी की है। आप बैठ के गल कर सकते हैं, जो कोई गलती भी हुई आप बैठ के उसकी समीक्षा कर सकते हैं, पर मैं ये लगता नहीं कि कोई एड्डा व्डा इशू से जिद चंकी वोटी डिस्कशन चल रही थी और मते जो क्या कहने अपनी मीटिंग का बाइकआउट करके चले गए, तो मेरा ख्याल है ये ठीक नहीं है। इन्होंने इल्जाम से मोहाली मेयर ने कहा कि मुद्दा कोई इन्ना व्डा नहीं, बैठ के भी मसला सुलझाया जा सकता है। मीटिंग च हंगामा तो एक पासे, पर जेकर एजेंडिया की गल की जाए तो कुल 13 एजेंडे रखे गए हैं, जिन्हें छे तो अकाली बीजेपी कौंसलरों की सहमति पास हुए, बाकी के एजेंडे मेयर की अगुवाई च बाकी कौंसलरों की सहमति पास कर दिए गए। रविंदर सिंह, जी मीडिया, मोहाली। पंजाब टाइम्स आज से लिए इतना ही, मैं दो इजाजत, तुम देखते रहो पंजाब हरियाणा हिमाचल।